हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली खई और इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु। बच्चों, आज हम फिर से क्लास 11th का एक चैप्टर पढ़ेंगे, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लास 11th इसलिए क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट वैसे तो क्लास 12th में भी है, क्लास 11th में भी है। क्लास 11th में वी हैव ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। सो आज हम वन शॉट में ग्रुप 13 पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप 14 पढ़ेंगे। सो बेसिकली अब हम स्टार्ट करें यूनिट 11, क्लास 11 का है सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो बच्चों जल्दी से कॉपी पेन रजिस्टर लेके रेडी हो जाइए बिकॉज बहुत जल्दी हम इस चैप्टर को क्विक रिवीजन के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर को यहां से पढ़ लिया तो आई होप आपको सारे बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, किस तरह से इस चैप्टर को पढ़ना और क्या क्या क्वेश्चन उस पर बेस्ड बनते हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सो जल्दी से बच्चों शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो बेसिकली अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास, लेट मी राइट द इंट्रोडक्शन पार्ट। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास आते हैं ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। दैट मीन्स राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल वी हैव पी ब्लॉक एलिमेंट्स। टोटल 6 क्यों है? क्योंकि हमारे पास पी ब्लॉक में, पी शेल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं एंड ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो नाउ टोटल वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट इन पी ब्लॉक एंड दस वी हैव ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। सो ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 जब हमारे पास होता है तो हम उसे 6 ग्रुप्स को पी ब्लॉक में आते हैं। दैट मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 6 ग्रुप्स ही क्यों है पी ब्लॉक में, तो आंसर आपको देना है कि पी कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो जब हम 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो यही हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन आप लोगों को पता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन की अगर हम बात करें पी ब्लॉक के लिए, दैट गोज की एस शेल पूरा कंप्लीटली फिल्ड होगा और पी हमारा 1 से लेके 6 तक होगा। लाइक अगर हम पी 1 की बात करें तो ये हमारा ग्रुप 13 हो जाएगा, पी 2 की बात करें ग्रुप 14 हो जाएगा एंड सो ऑन। सो विल बी हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन फॉर पी ब्लॉक इज NS2 NP 1 2 6। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम पी ब्लॉक को डिफाइन करें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट वो है जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जाएगा, हम उसे कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट वी कॉल इट एज, व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी सब शेल वी कॉल इट एज पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, अब यहां पे हम वैसे बाद में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, यहां पे एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देती हूं और वो बात ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट मेंबर है ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 का, जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर जैसे ग्रुप 13 में फर्स्ट मेंबर है बोरोन। ठीक है, सो फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 किसके, पी ब्लॉक के, क्योंकि 13 टू 18 पी ब्लॉक होता है, 18 में वो चीज नहीं होती जो मैं बताने वाली हूं आपको। सो ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 का जो फर्स्ट मेंबर है वो डिफरेंट होता है, किससे डिफरेंट होता है, अपने बाकी एलिमेंट से। ठीक है, फर्स्ट मेंबर डिफर इन वेरियस प्रॉपर्टीज, डिफर इन वेरियस प्रॉपर्टीज विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। दैट मीन्स बोरोन जो है अपने सेम ग्रुप के एलिमेंट्स एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम से डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। कार्बन अपने ग्रुप के एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड सो ऑन। सो फर्स्ट थिंग हमने स्टार्टिंग से पढ़ी पी ब्लॉक एलिमेंट में, यहां पे हम ग्रुप 13 ही पढ़ेंगे आज, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बता रही हूं। सो बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनमें लास्ट शेल पी ऑर्बिटल में जाएगा, पी सब शेल में जाएगा। पोजीशन क्या है, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स पी ब्लॉक होते हैं। 6 ही क्यों है, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्मोडेट हो सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन NS2 NP 1 2 6 है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी सबशेल में जाएगा देन वी कॉल इट एज पी ब्लॉक एलिमेंट एंड देयर इज एन एक्सेप्शन दैट फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, ग्रुप 13 टू ग्रुप 17, दे डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू दे डिफर, सो द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस, व्हाई डू दे डिफर। तो अगर मैं आपसे रीजन पूछूं डिफरेंस का, तो रीजन है स्मॉल साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, रीजन है एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। रीजन है हमारे पास हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी।
सो इन रीजंस के कारण हमारे पास एक बिहेवियरल डिफरेंस आता है, वेरियस प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है फर्स्ट ग्रुप के. फर्स्ट ग्रुप कौन से? फर्स्ट मेंबर्स और कौन से? ग्रुप 13 टू ग्रुप 17. तो ये जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम स्टार्ट करेंगे 13th ग्रुप. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 13th ग्रुप. आज मैं आपको 13th ग्रुप वन शॉट में, वन वीडियो में समझाऊंगी. तो अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है, चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं. सो हेडिंग लिखिए ग्रुप 13, और ग्रुप 13 हमारा स्टार्ट हो रहा है. इस ग्रुप 13 को हम बोरॉन फैमिली भी कहते हैं, और बोरॉन फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज बोरॉन. सो आफ्टर द नेम ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन वी कॉल इट एज बोरॉन फैमिली. और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें? तो इसमें लिखिए बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और उसके अलावा एक और एलिमेंट होता है 113 एलिमेंट होता है, जिस एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 113 है. ठीक है, सो एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है आफ्टर 100, तो आप उनके कॉन्फिग्रेशन, आप उनका नेमिंग भी लिख सकते हैं. फॉर वन वी आर हैविंग अन, फॉर वन वी आर हैविंग एन, फॉर थ्री वी आर हैविंग ट्रायन. सो UUT हमारे पास इसका नंबर आ जाता है. सो अब हम बात करेंगे इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के, कुछ जनरल ट्रेंड्स हम पढ़ेंगे इन एलिमेंट्स के. सो इफ आई टॉक अबाउट बोरॉन, सो बोरॉन का कॉन्फिग्रेशन होता है 2s2 2p1. ऑब्वियसली नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन आएगी हीलियम, सो इट गोज हीलियम 2s2 2p1. इफ आई राइट फॉर एल्यूमिनियम इट बिकम्स नियॉन, नियॉन 3s2 3p1. देन इफ आई टॉक अबाउट गैलियम, गैलियम हमारे पास आ गया आर्गन, नेक्स्ट नोबल गैस है ना. और 4s2 4p1 से पहले हमारे पास आ जाता है 3d10. तो इसको आप जरा स्टार कर लें क्योंकि ये हमारे प्रॉपर्टीज को चेंज करने में के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. सो गैलियम विल बी हैविंग समवॉट डिफरेंट बिहेवियर. देन विल टॉक अबाउट इंडियम, इंडियम वी हैव क्रिप्टन. सो आफ्टर 3d10 वी हैव 4d10, देन 4s2 की जगह 5s2 एंड देन 5p1. थैलियम वी हैव ज़ेनॉन, सो नाउ वी हैव 4f14, 14 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए, 4d10 का 5d10 हुआ, देन वी हैव 6s2 6p1. तो बच्चों आपको ये लर्न नहीं करना है, मैं आपको ये कॉन्फ़िगरेशन इसलिए लिख रही हूं क्योंकि कुछ कुछ बिहेवियरल प्रॉपर्टीज यहां पे चेंज होंगी. सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इस ग्रुप का अभी भी NS2NP1 ही है. सो यू कैन सी लास्ट सेल NS2NP1, एवरी सेल विल बी हैविंग NS2NP1. तो जल्दी से नोट कर लीजिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप इनके एटॉमिक मासेस भी लिख सकते हैं, सॉरी एटॉमिक नंबर जो कि आपको जरूरत पड़ेंगे. तो एटॉमिक नंबर आप लर्न कर लीजिए, 5+8 बहुत सिंपल, 13+18 31+18 49+32 81. मैजिक नंबर्स आपने ऐड किए पीरियोडिक टेबल में. अगर आप इनकी क्लासिफिकेशन और अरेंजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, +8+18+18+32. सो ये हमारा कॉन्फिगरेशन है और ये हमारे एटॉमिक नंबर है. तो जनरल कॉन्फिगरेशन आपको समझ में आ गया, एटॉमिक नंबर लिखना आपको आता ही है, किस तरह से शुरू करें. सो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ये दो चीजें मैंने आपको अंडरलाइन की हैं जो आगे हमारे काम आएंगे. सेकंड चीज अगर हम पढ़ें तो वो आता है डेंसिटी. चलिए बताइए डेंसिटी में क्या चेंज होगा. सो अगर हम नॉर्मल बात करें तो इनकी जो डेंसिटी है दैट इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ 13th ग्रुप इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ऊपर से नीचे जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी. ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन, रीजन आपको पता होना चाहिए, ड्यू टू इंक्रीज इन मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है. बेसिकली यहां पे हमारे पास एक एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन आपको ध्यान रखने हैं, एंड एल्यूमिनियम हैज लो डेंसिटी, दिस इज एन एक्सेप्शन. एल्यूमिनियम हैज लो डेंसिटी, और लो डेंसिटी होने के कारण ही इसका एक एलॉय होता है ड्यूरेल्यूमिन, और वो बना एरोप्लेन बॉडीज और एयरक्राफ्ट बॉडीज बनाने के काम आता है. सो एल्यूमिनियम हैज लो डेंसिटी, सो एल्यूमिनियम की लो डेंसिटी है और एक्सेप्शन बिहेवियर शो करता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी वी हैव इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो हम देखते हैं कि यहां थोड़ा सा इररेगुलर बिहेवियर आता है. इररेगुलर बिहेवियर कैसे है? इट फर्स्ट डिक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट
डिक्रीजेस। सो कहां से कहां डिक्रीज हो रहा है? बोरोन टू गैलियम। गैलियम के आपने पढ़ा होगा, समटाइम्स वी कॉल गैलियम एज वन ऑफ द लो मेल्टिंग लिक्विड ऑल्सो, लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस ऑल्सो। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 29 डिग्री होता है और बोरोन टू एल्यूमिनियम ये डिक्रीज हुआ एंड देन इंक्रीजेस फ्रॉम गैलियम टू थैलियम। तो ये इंक्रीज होता है गैलियम से थैलियम की तरफ। सो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट में क्योंकि गैलियम में एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है विच इज लो मेल्टिंग, तो बाकी सब में डिक्रीज हुआ एंड देन अगेन इट इंक्रीजेस। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल ट्रेंड देखें तो इट गोज इंक्रीजेस। बोरोन इस ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। बोरोन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। जहां हम बात कर रहे हैं गैलियम की, गैलियम इज ओनली 29 डिग्री, और अगर हम बोरोन की बात करें तो बोरोन पहुंच जाता है नियरली 2500 केल्विन, 2453 एग्जैक्ट वैल्यू होती है केल्विन की। तो आप देखें कहां गैलियम और कहां हमारे पास बोरोन पहुंच जाता है। तो बोरोन हैज वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बोरोन में इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? सो जल्दी से लिखिए कि बोरोन का इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, व्हाई बोरोन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो बहुत कॉम्पैक्ट है, और वो स्ट्रक्चर कौन सा है? इट एग्जिस्ट एज आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होने के कारण बोरोन एटम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, और कितना है मैं आपको बता देती हूँ, 2453 केल्विन। तो इतना मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण का कुछ ना कुछ रीजन होगा, एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज इट हैज आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। मीन्स इसका मतलब क्या है, बोरोन जो है बहुत कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस के साथ एग्जिस्ट करता है। नाउ द थिंग इज व्हाई गैलियम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम क्यों है, सो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इसलिए इतना कम है क्योंकि इसके इंट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, एंड इट एग्जिस्ट एज डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। क्योंकि गैलियम डाई एटोमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है एंड दस इट हैज वेरी वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों पढ़ना है, ध्यान रखें, आप लोग का ध्यान नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि जो हार्ड वर्क है वो हमेशा साइलेंस में ही होता है, एंड वॉट एवर बी द सक्सेस आपकी अपने आप शोर मचाएगी, अपने आप आवाज करेगी और अपने आप लोगों को बताएगी कि हाँ इसने कितनी मेहनत की। आपकी की हुई मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, हमेशा ध्यान रखें। और इसके साथ हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। सो विल टॉक अबाउट एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। क्या मतलब होता है एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई? हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में भी पढ़ चुके हैं बार बार सेम चीज कि साइज की हम यहां बात कर रहे हैं बेसिकली। सो इफ वी कंपेयर है ना, तो हम देखते हैं पहली चीज कि ग्रुप 2 से जब हम ग्रुप 13 में जाते हैं, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस जो है ग्रुप 13 का वो हमेशा स्मॉलर होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो स्मॉल होगा। बट जब हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप की, हमें सिर्फ अभी ग्रुप 13 ही पढ़ना है, सो व्हेन आई टॉक अबाउट बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम, सो जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं बोरोन से थैलियम की तरफ जा रहे हैं तो उनका एटॉमिक रेडियाई में क्या चेंज होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ वैल्यूज लिख के दे रही हूं, दो आपको इन वैल्यूज को लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट आई एम राइटिंग जस्ट सो दैट यू कैन कंपेयर दीज वैल्यूज एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द रीजन। सो यहां देखिए एक जनरल ट्रेंड नहीं है, क्या एक्सेप्शन है, आप इसे गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि 85 से 143 ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं, एक एक शेल इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होना चाहिए, एंड यस वी हैव अ डेफिनेट रेगुलर इंक्रीज फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम। बट जैसे ही हम एल्यूमिनियम से गैलियम जाते हैं इट गोज फ्रॉम 143 टू 135, डिक्रीज हो गया। ध्यान से देखो बच्चों, ये 143 से जाके 135 पे डिक्रीज हो गया है, और ये डिक्रीज होने का रीजन क्या है ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं आपको वही शीट वापस दिखाती हूँ। गैलियम में मैंने स्टार किया था, ये देखिए एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 3D में,
तो जहां बोरोन से एल्यूमिनियम एक शेल इंक्रीज होती है, टू से हम थ्री पे गए, थ्री से फोर गए, इंक्रीज होना चाहिए, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ रहे हैं, और वो 10 इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण यहां पे एक्सेप्शनल बिहेवियर आया। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम इसे कहते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल्स आ गए, जिसके कारण से पुअर शील्डिंग इफेक्ट हुआ। सो डी ऑर्बिटल्स की शील्डिंग इफेक्ट एस और पी के कंपेरिजन में बहुत कम होती है, और डी की एंट्री होने के कारण इसमें कॉन्ट्रेक्शन आया और साइज डिक्रीज हो गया। सो रादर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीज होने की जगह ये डिक्रीज हो रहा है, ध्यान से देखो बच्चों। और उसका रीजन हम क्या लिखेंगे? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि यहां पे हमारे पास 3d के 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए हैं और उसके कारण से गैलियम का साइज डिक्रीज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैलियम से जैसे ही हम इंडियम पे गए, रेगुलर इंक्रीज आया, कोई चेंज नहीं है। बट व्हेन वी गो फ्रॉम इंडियम टू थैलियम, अगर आप यहां देखें और यहां देखें तो अराउंड 60 का डिफरेंस, अराउंड 30 का डिफरेंस, लेकिन यहां डिफरेंस नियरली सेम है। 167 पीकोमीटर और 170 पीकोमीटर नियरली सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली 3 पीकोमीटर। सो व्हाई इट इज नियरली सेम? तो अगेन यहां पे आप फिर से कॉन्फिगरेशन में देखेंगे तो यहां 4f14 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स 4f के आ रहे हैं, और उसके कारण से यहां पे एक्सेप्शनल बिहेवियर आ जाता है। तो एक्सेप्शनल एज सच नहीं है क्योंकि ये इंक्रीज ही हो रहा है, बट इट बिकम्स कॉन्स्टेंट इफ यू सी द डिफरेंस, इफ यू सी दैट डिफरेंस। तो गैलियम और थैलियम में थोड़ा थोड़ा सा बिहेवियरल चेंज आता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर आता है, और गैलियम का बहुत इजीली विजिबल है। तो इसको लर्न करने के लिए आपको क्या करना है, आप देखिए सबसे कम किसका है? बोरोन का। सबसे कम है बोरोन का, उसके बाद उससे ज्यादा है गैलियम, गैलियम के बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम, और इंडियम के बाद थैलियम। दैट मींस बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम होना चाहिए, डिफरेंस सिर्फ इतना है। यानी जहां 1, 2, 3, 4, 5 होना चाहिए वहां सिर्फ इतना है 1, 3, 2, 4, 5। और मैं नंबर इसलिए लिख रही हूं क्योंकि बच्चों ये नंबर से ही आपको लर्न करना है। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू लर्न दीज थिंग्स। सो एक्सेप्शनल बिहेवियर में आप अगर इन नंबर से लर्न करेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं। तो एक एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया जो कि साइज में है, एटॉमिक रेडियाई में है, वो एक्सेप्शन आपको लर्न करना है, एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ दिस नंबर, राइट? तो जल्दी से इसको लिख लीजिए और आगे हम चलते हैं। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बाद अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। सो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, जल्दी से लिखिए, फिफ्थ पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देखें, मैं फिर आपको बोल रही हूँ वैल्यूज लर्न करना जरूरी नहीं है, अगर आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.0, 1.5, 1.6, 1.7 एंड 1.8। सो वी कैन सी दैट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इट फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम एंड देन इंक्रीजेस, बट दिस इंक्रीज इज वेरी मार्जिनल, द इंक्रीज इज वेरी मार्जिनल, एंड द रीजन इज, वॉट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन इज अगेन वी कैन से वॉट एवर बी द डिस्क्रिपेंसीज वी हैव फाउंड इन द केस ऑफ एटॉमिक रेडियाई, जो एटॉमिक रेडियाई में डिस्क्रिपेंसीज हुई है, जो एटॉमिक साइज में बिहेवियरल चेंज आया है, उसके कारण से ही यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी वेरिएशन आया। सो डिस्क्रिपेंसीज इन एटॉमिक साइज इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर हैविंग दिस डिफरेंस और डिफरेंट बिहेवियर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट बिहेवियर इस रीजन से आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस कारण से आ रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रीजन भी एटॉमिक साइज के कारण ही इफेक्ट हो रहा है। सो फर्स्ट इट डिक्रीज और उसके बाद रेगुलर इंक्रीज है, ठीक है? तो पहले डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद रेगुलर इंक्रीज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद। बच्चों अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा बीच में रुकना नहीं है क्योंकि आज ये वन शॉट में इस 13th ग्रुप का पूरा कंप्लीट करना है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी आप लोगों को पता है, किसी भी एलिमेंट में से, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपने इसको कुछ एनर्जी दी, तो जो भी एनर्जी आपने इसको दी है दैट एनर्जी वी कॉल इट एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट्स नॉट सो सिंपल, अगर ये एलिमेंट आइसोलेटेड फॉर्म में और गैशियस स्टेट में होगा तभी ये एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। सो आई कैन डिफाइन इट एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। सो एक आइसोलेटेड गैशियस एटम में से सबसे लूज इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक चीज और ध्यान रखो, जितनी जल्दी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना अच्छा मेटलिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे
कि यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या ट्रेंड है. सो जब हम देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगेन बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, एंड आई विल बी राइटिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो फॉर बोरोन इट इज 800, फॉर एल्यूमिनियम इट गोज 577, देन 578, देन आई विल बी हैविंग 558, एंड लास्ट इज 590. That is the ionization enthalpy. This is first ionization enthalpy for these elements. अगर हम देखें, हमें मालूम है ionization enthalpy जो है, it should vary with size inversely. Size बढ़ेगा तो ionization कम होगी और size कम होगा तो ionization बढ़ेगी. That means अगर कहीं कुछ discrepancy आ रही है, चले देखें discrepancy, first it decreases, बिल्कुल सही है क्योंकि size increase हो रहा है तो ionization decrease हो रही है. Then it becomes nearly constant, nearly constant. या हम कहें ये इंक्रीज ही हो रहा है ना. 577 दिस इज इन किलो जूल पर मोल और ये है 578. हाँ जी. सो एल्यूमिनियम से जब हम गैलियम गए तो यहां पे हमारे पास एक बिहेवियरल चेंज आ रहा है, एक्सेप्शनल बिहेवियर आ रहा है. वो एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या आ रहा है, दैट एल्यूमिनियम से गैलियम में इंक्रीज हो रहा है या हम कहें नियरली कॉन्स्टेंट है, जो कि डिक्रीज होना चाहिए. बट क्योंकि हमने साइज में डिस्क्रिपेंसी देखी थी गैलियम के केस में, तो डेफिनेटली आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी वेरिएशन आएगा ही आएगा. एंड देन इट डिक्रीजेस for indium and then it increases for thallium. So again gallium and thallium will observe some discrepancy, and that again the same reason is some abnormal changes we have seen in the case of atomic radii. Abnormal change or abnormal increase in atomic radii, atomic size, उसके कारण से यहां पर वापिस से gallium और thallium में change आ रहा है. सो जब हम देखें तो हम पहली चीज देखते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज. नॉर्मल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. फर्दर अगर हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इट बिकम्स नियरली कॉन्स्टेंट और इंक्रीजेस अगेन डिक्रीजेस अगेन इंक्रीजेस. तो सिंपल रीजन है यहां पे हमारा एटॉमिक साइज वेरिएशन होने के कारण. ओके. अब इतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, तो बोरोन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता, एंड बोरोन विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ 13th ग्रुप इज अ नॉन मेटल, वेयर एज अदर एलिमेंट्स आर मेटल्स. सो ये यहां पे क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि ये नॉन मेटल क्यों है. बिकॉज इट हैज नो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन रेडिली, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता. और क्यों नहीं करता, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है. अगर हम फर्स्ट थ्री आयनाइजेशन एंथैल्पी देखें, अब आप पूछेंगे फर्स्ट थ्री की बात क्यों करें, क्योंकि वैलेंस शेल में हमारे पास NS2 NP1 है, तीन ही इलेक्ट्रॉन है. तो तीनों इलेक्ट्रॉन सपोज निकाल दें तो बोरोन की जो फर्स्ट थ्री आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम आ रहा है वो 25,000 पहुंच जाता है, विच इज नॉट इजी टू लूज फॉर ऑल दीज थ्री इलेक्ट्रॉन्स. एल्यूमिनियम अगर हम देखें तो 11,000 तक ही पहुंचता है. सो देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोरोन एंड एल्यूमिनियम. सो इसलिए बोरोन एक नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज नहीं कर पाता है. ओके. अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज ऑक्सीडेशन स्टेट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट एज नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सो हम देखते हैं कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन है, NS2 NP1. सो तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री होना चाहिए. सो फ्रॉम कॉन्फिगरेशन वी कैन सी प्लस थ्री शुड बी द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट शुड बी द मोस्ट स्टेट. ओके. बट अगर हम देखें बोरोन, एज आई टोल्ड यू इट इज नॉन मेटल, एज वेल एज बोरोन विच इज हैविंग वेरी स्मॉल साइज है बोरोन का. बोरोन का साइज बहुत छोटा है तो इट कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन सो रेडिली. अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन एंड कैन नॉट फॉर्म B+3 नहीं बनता है, B+3 आयन नहीं बन पाएगा. सो जब ये तीन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो ये B+3 आयन नहीं बना पाएगा. ओके. सो मोस्टली जब भी बोरोन कंबाइन करता है, बोरोन आपके पास हमेशा जब भी कंबाइन करेगा वो कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाएगा. तो यहां पे क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाई बोरोन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स. सो क्या आंसर हुआ, ये वाला, बोरोन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, बोरोन B+3 आयन नहीं बनाता. सो मोस्टली व्हेन इट कंबाइंस विद अदर एटम्स इट ऑलवेज कंबाइन विद कोवेलेंट बॉन्ड. जबकि एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम +3 शो कर सकता है. ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम कोवेलेंट नहीं बनाता, AlCl3 कोवेलेंट ही है.
सो ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम कोवलेंट नहीं बनाता, बट एल्यूमिनियम आयनिक भी बनाता है. सो बोरॉन जो है वो कोवलेंट कंपाउंड बना रहा है. बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं दे एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. और बोरोन के बाद अगर हम बात करें लाइक बोरोन एग्जिबिट +3, ठीक है. लेकिन यहां हमने बता दिया ये नॉन मेटल है, प्लस ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई. एल्यूमिनियम की हम बात करें, सो एल्यूमिनियम एग्जिबिट +3, AlCl3 बन रहा है, +3 है. ओके, दो ये कोवलेंट है, प्योरली ये प्योर आयनिक नहीं है, कोवलेंट कंपाउंड है. सो एल्यूमिनियम AlCl3 अगर हम बात करें एनहाइड्रस स्टेट में कोवलेंट की तरह ही बिहेव करता है. आगे हम मूव करते हैं एल्यूमिनियम के बाद गैलियम इंडियम एंड थैलियम. सो दे एग्जिबिट गैलियम इंडियम एंड थैलियम दे एग्जिबिट +3 +3 +3 +1 +1 +1. सो अब यहां क्वेश्चन आता है +1 शो कर रहा है +3 शो कर रहा है, पहली बात +1 क्यों शो कर रहा है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताती हूँ. आई होप ये आपने लिख लिया होगा, समझ में आ रहा होगा. सो अब हम बात करते हैं +1 और +3 क्यों, +2 क्यों नहीं आ रहा है, एक चीज. और दूसरा +1 और +3 कैसे आ रहा है. सो +3 तो मैंने आपको बता दिया कॉन्फिग्रेशन NH2NP1 है. ओके, अब हम वापस से कॉन्फिग्रेशन वाले पेज पे जाएंगे. सो मैं एक बार कॉन्फिग्रेशन का पेज निकाल लेती हूँ और आपको समझाती हूँ कि +3 और +1 क्यों हुआ. यहाँ हम कंसेप्ट कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो जब मैं यहाँ बात कर रही हूँ, देखिए आप बोरॉन की, तो बोरॉन में 2+1 तीन इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं वैलेंस शेल के, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. सो दे कैन एग्जिबिट +3 रेडिली. जैसे हम गैलियम में जाते हैं तो ये 4s2 विच इज लोअर एनर्जी देन 3d10. सो ये हमारा एक्चुअल कॉन्फिग्रेशन, इट विल गो लाइक दिस 4s2 3d10 4p1. सो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है पी ऑर्बिटल का, पी सबशेल का, दैट कैन इजिली टेक पार्ट इन बॉन्डिंग. दीज 10 कैन नॉट, एंड बिकॉज ऑफ दीज 10 इलेक्ट्रॉन दिस 4s2 बिकम्स इनर्ट, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इनर्ट. तो ये एक s2 में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इनर्ट हो गया. इनर्ट मीन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा. इसलिए गैलियम से जब हम आगे बढ़ते हैं, ये 3d10, ये 4d10, देन 5d10, और यहां तो आते आते 4f14 भी आ जाता है. तो एक्स्ट्रा 24 इलेक्ट्रॉन्स यहां हो जाते हैं, एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन्स. सो ये एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण s बहुत अंदर वाली शेल में चला जाता है, वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल, एंड s बिकम्स प्री पेनल्टीमेट शेल. सो इससे क्या हुआ, इसमें हमारे पास प्री पेनल्टीमेट शेल ये नहीं हुई, वो तो 4f हो गई. यहां हम बात करें दिस इज वैलेंस शेल, तो ये हमारी 3d आने के कारण इसकी एनर्जी लेवल और कम हो जाता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है. सो इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकल नहीं पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्डिंग के लिए ये अवेलेबल नहीं होंगे, एंड दस ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, एंड दस फ्रॉम गैलियम ऑनवर्ड्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है, एंड वी कॉल दिस इफेक्ट एज इनर्ट पेयर इफेक्ट. दैट मीन्स 1 पेयर ऑफ s इलेक्ट्रॉन बिकम्स इनर्ट. क्यों इनर्ट हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ f ऑर्बिटल. सो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन व्हेन s इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, एंड वी कॉल इट एज इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो इनर्ट पेयर इफेक्ट कब ज्यादा होगा, कब ऑब्जर्व होगा, इट बिकम्स प्रोमिनेंट फॉर हेवियर एलिमेंट्स, इट बिकम्स प्रीडोमिनेंट फॉर हेवियर एलिमेंट्स लाइक थेलियम, लाइक इंडियम. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन इजीली देगा, सो ऑर्डर हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम. बट इफ आई आस्क यू +1 के लिए, तो हमारे पास रिवर्स बिहेवियर हो जाएगा. सो +1 इज रेडिली शोन बाय थेलियम, सो इफ आई आस्क यू TlCl3 एंड TlCl में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, सो माई आंसर इज TlCl एज इट कैन एग्जिबिट +1 रेडिली, नॉट +3, राइट. सो ये हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है. तो ये हमारी कुछ बिहेवियरल प्रॉपर्टीज हैं, जो एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कहते हैं, जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से 13 ग्रुप अपने प्रॉपर्टीज को शो करता है. अब हम बात करेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की. अभी तक हमने फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, नाउ विल टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज. सो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं तो रिएक्शंस भी आएंगी. सो फर्स्ट हम बात करेंगे विद एयर, दैट मीन्स व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर, तो एयर में ऑक्सीजन भी है, एयर में नाइट्रोजन भी है. लेट मी रिप्रेजेंट दिस एलिमेंट 13 ग्रुप एलिमेंट एज ई, एम नहीं लूंगी क्योंकि एम मतलब मेटल हो जाता है और नॉन मेटल भी है इसमें, बोरॉन इज नॉन मेटल, वी हैव डिस्कस्ड. सो लेट अस टेक इट एज एलिमेंट. सो एलिमेंट को जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो हमारे पास बना E2O3 एज पर द वैलेंसी, एंड व्हेन दिस एलिमेंट रिएक्ट विद नाइट्रोजन इट फॉर्म्स EN.
ठीक है। अब नाइट्रोजन के साथ सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट कंबाइन करते हैं, बोरोन और एल्यूमिनियम, हैवियर एलिमेंट्स कंबाइन नहीं करेंगे। गैलियम, थेलियम, इंडियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके इसी तरह से अगर हम यहां पे भी बात करें E2O3, तो इट्स बोरोन एंड एल्यूमिनियम दैट रिएक्ट वेरी इजीली। बाकी भी बनाएंगे लेकिन बोरोन एल्यूमिनियम जल्दी बना लेंगे, क्योंकि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। नाउ विल टॉक अबाउट विद हाइड्रोजन। सो इफ दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन, वॉट डू दे फॉर्म? सो आई राइट, दे फॉर्म हाइड्राइड्स। सो हाइड्राइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको स्टार कर लीजिए। हाइड्राइड्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। हाइड्राइड्स हैं क्या? सो जब 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्राइड्स बनाते हैं। फॉर्मूले के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो हाइड्राइड बनेगा वो MH3 बनेगा। ठीक है, बट 13 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता। डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ, डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता कि हाइड्रोजन से रिएक्ट किया और हाइड्राइड बना दिया। ठीक है, तो हमें इन्हें इनडायरेक्ट मेथड से बनाना पड़ता है। अगर बोरोन कोई हाइड्राइड बना रहा है, बच्चों ध्यान से सुनो, अगर बोरोन कोई हाइड्राइड बना रहा है तो हमारे पास आ जाएंगे बोरेन्स। वी कॉल हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन एज बोरेन्स। और ये बोरेन्स हमारे पास दो 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 फॉर्मूले के होते हैं। एक होता है BnHn+4, वी कॉल इट एज नीडो NIDO, नीडो बोरेन्स। इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे बोला जाता है नीडो बोरेन्स। एंड अनदर इज BnHn+6, एंड आई कॉल इट एज नॉट आई एवरी वन कॉल्ड इट एज एरिक्नो बोरेन्स, एरिक्नो बोरेन्स। So we have BnHn+4 also, and we may have some hydrides as BnHn+6 formula following fall. We call them as nidoborans and arachnoborans accordingly. Okay? So जब हम बात करें simplest borane की, तो I hope ये आप लोगों ने note कर लिया होगा। आगे चलते हैं chemical properties, अभी हम hydrides की ही बात करेंगे। So hydrides में जब हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है hydrides में सबसे simplest hydride कौन सी है? Simplest hydride of हाइड्राइड ऑफ बोरोन। बोरोन की सबसे सिंपल हाइड्राइड कौन सी है? सो बोरोन की सबसे सिंपल हाइड्राइड होगी जिसमें दो ही बोरोन हो। ठीक है ना, सो दैट इज B2H6। एक नहीं होता, हाँ जी, एक बोरोन नहीं होता। अगर आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। तो यही एक्चुअली डाइमराइज हो जाता है और ये डायबोरेन बनाता है। इसकी प्रिपरेशन मैं आपको बताती हूँ। इसकी प्रिपरेशन है, आपने बोरोन का कोई कंपाउंड लिया और उसको रिड्यूस कर दिया रिड्यूसिंग एजेंट से, हाई टेम्परेचर देके, वी गेट डायबोरेन विद LiF, लिथियम फ्लोराइड। सो ये हमारी प्रिपरेशन हो जाती है डायबोरेन की। सो ये आपको ध्यान रखना है डायबोरेन किस तरह से बनेगा। अब हम बात करेंगे थर्ड वी हैव इज ऑक्साइड्स। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, सो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करें तो जो ऑक्साइड्स बनेंगे उन ऑक्साइड्स का फॉर्मूला क्या है, हम पढ़ चुके हैं E2O3। और अगर ये हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मूला है EOH3, जैसे एल्यूमिनियम है AlOH3। सो जब हम ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं तो हम इनके एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, इनका एसिडिक नेचर जरूर पता होना चाहिए। सो जब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से मेटल बोरोन की, सो बोरोन क्योंकि नॉन मेटल है, सो बोरोन का जो हाइड्राइड बनेगा, सॉरी ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेट मी राइट बोथ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ये दोनों ही एसिडिक होते हैं। बोरोन क्योंकि नॉन मेटल है इसलिए इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स दोनों ही एसिडिक होंगे। लेट अस टॉक अबाउट एल्यूमिनियम Al2O3 एंड AlOH3। इसका जो नेचर होगा दैट इज एम्फोटेरिक। आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं एल्यूमिनियम शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर, इट हैज टेंडेंसी टू रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है जो बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर शो करे। सिमिलरली विद गैलियम Ga2O3 एंड GaOH3, दैट इज ऑल्सो एम्फोटेरिक। सो एल्यूमिनियम एंड गैलियम शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर, इंडियम In2O3 एंड InOH3, सो दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। एंड लास्ट वी हैव इज थेलियम, सो थेलियम TL2O3 एंड TLOH3।
ठीक है, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है, क्योंकि हम जब कंपेयर करेंगे तो एक सिंपल फॉर्मूला और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे. सो दिस इज द बिहेवियर, दिस इज द नेचर. रीजन क्या हुआ, अब ये एसिडिक से बेसिक की तरफ जा रहा है. सो फर्स्ट थिंग इज एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है. तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये बॉन्ड वीक होता जाएगा. ठीक है ना, ये बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी टूटेगा और इसलिए एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है. सो आपको क्या ध्यान रखना है, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. सो जब ये वीक हो गया बॉन्ड, जल्दी टूट जाएगा तो ये बेसिक हो गया. सो एसिडिक नेचर डिक्रीजेस. सो इस तरह से हम इनके एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं. एम्फोटेरिक नेचर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड ली, बेस से रिएक्ट कर दिया, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड ली, एसिड से रिएक्ट कर दिया. सो आई होप आपको रिएक्शन मालूम होगा, क्या बनता है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, यह आपको पता होगा. ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से प्रोडक्ट और हमारे पास रिएक्टेंट बनेंगे. सो जल्दी से बताइए, मैं ही आपसे फटाफट से पूछती हूँ. सो क्या होगा हमारे पास, अगर आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और ये बेस से रिएक्ट कर रहा है NaOH से, तो ये क्या बनाएगा, NaAlO2, ठीक है, प्लस H2O. अगर ये किसी एसिड से रिएक्ट कर रहा है, लाइक H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, तो ये बनाएगा Al2SO4 होल थ्राइस एंड इट विल फॉर्म वाटर. सो अगर ये बेस से रिएक्ट कर रहा है, इट बिहेव्स एज एसिड. इफ इट रिएक्ट विद एसिड, इट बिहेव्स एज बेस, बिकॉज इन बोथ द केसेस इट फॉर्म सॉल्ट. सो ये एम्फोटेरिक बिहेवियर है कि ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है, दोनों की तरह बिहेव करता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है, सो जो बोरोन है वो इजिली रिएक्ट नहीं करता एसिड से, इट डज नॉट रिएक्ट इजिली विद एसिड. ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे अगर हम रिएक्ट कराएं, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कराएं, तो बोरोन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एसिड से ही रिएक्ट करेगा. ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन सा है, नाइट्रिक एसिड. दिस इज एसिड एज वेल एज इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये बोरोन को ऑक्सीडाइज करके बोरिक एसिड बना देता है और ब्राउन कलर की गैस निकलती है, एंड दैट ब्राउन गैस इज बिकॉज ऑफ NO2. सो दिस इज वी कॉल इट एज बोरिक एसिड. सो बोरिक एसिड बनता है. ठीक है, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम यस कैन रेडिली रिएक्ट एंड इट फॉर्म्स AlCl3 विद हाइड्रोजन गैस. ठीक है, एल्यूमिनियम का नाइट्रिक एसिड से एक बहुत बढ़िया बात होती है, हम कहते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है ये पैसिव हो जाता है. व्हाट आई से इज द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मेक्स रेंडर्स एल्यूमिनियम पैसिव बिकॉज इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड. इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गई, विच एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर. आपने 10th में पढ़ा होगा, इसका कोरोजन नहीं हो पाता, ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट रिएक्ट्स. अब हम बात करेंगे एल्कली की, इसी में ही रिएक्शन विद एसिड्स एंड एल्कली है. सो अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं बोरोन को, सो व्हेन वी आर रिएक्टिंग बोरोन विद एनी एल्कली, आई विल गेट पोटेशियम बोरेट विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस. पोटेशियम बोरेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो सोडियम बोरेट बनेगा. ठीक है, Na3BO3. सो ये जो सोडियम बोरेट है, पोटेशियम बोरेट है, ये बनते हैं. Okay, with the release of hydrogen gas. So, they always form at higher temperature. So, हमें temperature ज्यादा देना होगा तभी जाके ये base से react होगा. Aluminium का हमने पढ़ लिया, as it is amphoteric, so it can react with acid as well as base. So, ये base से भी react कर लेगा. So, aluminium अगर base से react करेगा, suppose I am taking sodium hydroxide, तो ये बना लेगा sodium aluminate NaAlO2 plus hydrogen gas. Okay? सो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. अगर आप इसी को एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर न्यूट्रल मीडियम में ले ले, तो हमारे पास आयनिक फॉर्म आ जाएगी AlOH4. वी गेट आयनिक फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. सो वी कॉल इट एज सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट आयन. ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाएगा. सो इसको आप इस तरह से ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट आता है हमारी रिएक्शन. रिएक्शन इज नंबर 6 विद हैलोजन्स. सो व्हेन इट रिएक्ट विद हैलोजन, व्हाट डू आई गेट, वी गेट हैलाइड्स. कौन से बनेंगे,
EX3, एक्स रिप्रेजेंट्स हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो ये जनरली ये रिएक्ट कौन कौन से करते हैं, सिर्फ बोरोन और एल्यूमिनियम ही रिएक्ट करते हैं हेलोजन से. और कौन कौन से एल्यूमिनियम हेलोजन रिएक्ट करेंगे, इट इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दे विल रिएक्ट. सो बनेगा क्या, बनेगा EX3. हेवियर एलिमेंट्स में चले जाए, थेलियम में चले जाए तो TLX बनेगा, TLCl, TLBr. गैलियम चले जाएं, दोनों बनाएंगे, +1 +3 दोनों बनाएंगे. सो इस तरह से हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं. ठीक है, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, बहुत इंटरेस्टिंग, बोरोन हैलाइड्स, बोरोन ट्राई हैलाइड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बोरोन ट्राई हैलाइड्स क्या है, बोरोन ट्राई हैलाइड्स इज BX3. ठीक है, सो अगर हम बात करें बोरोन ट्राइहैलाइड की, फर्स्ट थिंग इज दे आर कोवलेंट इन नेचर, दे आर कोवलेंट इन नेचर. ओके, और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, sp2 होने के कारण ये प्लेनर है. ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे कि अगर ये BX3 जो हमारे पास बन रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. सो इट इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड. सो सपोज मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड लिया, अमोनिया, विच हैज लोन पेयर्स. ठीक है, सो ये लोन पेयर अपने इसको दे सकता है और हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनेगी. इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कंबाइंड विद इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि इसके हाइब्रिडाइजेशन को भी चेंज करेगा. सो हाइब्रिडाइजेशन क्या चेंज होगा, अर्लियर दिस BX3 वॉज sp2 एंड नाउ व्हेन इट रिएक्ट विद नाइट्रोजन इट बिकम्स sp3, सो इट चेंजेस हाइब्रिड स्टेट ऑल्सो. ठीक है, ये एक चीज हुई. दूसरी चीज हम यहां पढ़ते हैं इनके एसिडिक नेचर के बारे में, वॉट इज द चेंज इन एसिडिक नेचर. सो जब बच्चों हम एसिडिक नेचर की बात करें, सो BF3 BCl3 and BBr3 एसिडिक नेचर ये आता है. ऐसा क्यों है, दिस इज रिवर्स वॉट वी एक्सपेक्टेड, रिवर्स ऑफ एक्सपेक्टेड ऑर्डर. ओके, हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर आना चाहिए, दिस शुड बी मोर एसिडिक, एसिडिक ज्यादा होना चाहिए, इट शुड बी मोस्ट एसिडिक बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफरेंस बिहेव करेगी. इट शुड क्रिएट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींचता जाएगा तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो वो अच्छा एसिडिक होगा. लेकिन होता क्या है, लीस्ट एसिडिक हो जाता है. सो रिवर्स ऑफ एक्सपेक्टेड ऑर्डर ध्यान रखें, एक्सपेक्टेड ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड BF3 शुड बी हाईली एसिडिक. तो ये हमारा अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसका रीजन आता है हमारा बैक पाई बॉन्डिंग, जिसे हम पी पाई बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, बैक बॉन्डिंग. सो होता क्या है, फ्लोरीन का जो 2p ऑर्बिटल है उसका एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल लोन पेयर जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, वो बोरोन के एम्प्टी 2p ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग कर लेता है. यानी हमारे पास फ्लोरीन तो था ही यहां पे इस तरह से, तो फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन खींचता तो ये हमारा मोस्ट एसिडिक हो जाता. बट यहां हो क्या रहा है, इसका 2p ऑर्बिटल जो है इसके वैकेंट 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, ये ओवरलैप करता है, इसका 2p ऑर्बिटल इसके वैकेंट 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देता है एंड डायरेक्शन गोज इन रिवर्स डायरेक्शन. वी कॉल इट एज पी से पी बैक बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग. हालांकि मैंने अपने एक अलग वीडियो में भी बताया हुआ है, आप उसमें अच्छे से डिटेल में जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहां पे अगर हम बात करें, दो फ्लोरीन ये है, ये हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल है और ये हमारा तीसरा फ्लोरीन है जिसमें हमारे पास फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. सो यहां पे ये बैक बॉन्डिंग हो रही है, इट गोज रिवर्स, तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड बन जाता है. सो ये हमारा एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी 2p ऑर्बिटल, और ये हमारा 2p कंप्लीट ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है. सो रिवर्स होने के कारण एसिडिक बिहेवियर भी रिवर्स हो जाता है. तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग फ्लोरीन और ब्रोमीन में होगी, क्योंकि फ्लोरीन भी 2p है और बोरोन भी, ब्रोमीन नहीं बोरोन, बोरोन भी 2p है. जैसे ही हम BCl में जाते हैं तो ये तो 2p है, ये 3p हो जाता है, सो साइज डिफरेंस बढ़ जाता है, सो ये बैक बॉन्डिंग वीक हो जाती है.
सिमिलरली व्हेन वी गो फॉर BBr3 ब्रोमीन इज 4p एंड बोरोन इज 2p, सो देयर इज अ बिग साइज डिफरेंस बिटवीन 2p एंड 4p, तो वो जो बैक बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है एंड दस वी कैन से द एसिडिक नेचर इंक्रीजेस. सो दिस इज द बैक बॉन्डिंग अ लिटिल बिट दैट आई कैन एक्सप्लेन हियर, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें पूरा 13 ग्रुप कम्प्लीट करना है. ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच ही गए हैं, बस कम्प्लीट ही होने वाला है. इसके बाद हमें सिर्फ कंपाउंड्स करने हैं, तो मैं आपको बता दूंगी कंपाउंड्स में आपको क्या क्या पढ़ना है. सो अब हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम हैलाइड्स की. तो एल्यूमिनियम जो है, अगर हम बात करें तो AlCl3 जो है वो डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सो इट एग्जिस्ट एज डायमर मीन्स इट एग्जिस्ट एज Al2Cl6. सो Al2Cl6 का स्ट्रक्चर बच्चों आपसे पूछा जाता है, क्या स्ट्रक्चर होगा. सो वी हैव अ ब्रिज बॉन्डिंग, क्लोरीन जो है ब्रिज की तरह बिहेव कर रहे हैं एंड इट एग्जिस्ट एज डायमर. सो डायमर में क्या होता है, एल्यूमिनियम एटम जो है वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं क्लोरीन से, ठीक है, क्लोरीन से लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं. तो ये डायमर स्ट्रक्चर है, ये हमारा वेपर स्टेट में भी होता है एंड जब हम इसको टेम्परेचर दे दें, हायर टेम्परेचर दे दें, तो ये हमारा डिसोसिएट हो जाता है कंपाउंड. सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड गोज लाइक दिस. सो ये आपको हैलाइड समझ में आ गया. अब आपको क्या करना है बच्चों, ये बेसिक प्रॉपर्टीज और बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया. यहां से रीजन बेस्ड अगर कहीं से भी कुछ भी चीजें पूछी जाती हैं तो आप आराम से बता सकते हैं. अब इसके अलावा जो चीज बचती है वो हमारी बचती है कंपाउंड्स ऑफ बोरोन एंड कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम. सो आपके कोर्स में कौन कौन से कंपाउंड्स हैं और आपको उनको कैसे पढ़ना है. सो फर्स्ट वी हैव इज बोरेक्स. बोरेक्स में आप उनकी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है. सेकेंड वी हैव इज ऑर्थोबोरिक एसिड, जिसमें अगेन आपको प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर भी करना है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड इज डायबोरेन. ठीक है, डायबोरेन क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर्स को आगे हम डिस्कस करेंगे. सो सारे कंपाउंड्स को एक काम करते हैं, एक और वीडियो में हम बना लेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरोन. ठीक है, सो वो छोटा सा वीडियो बनेगा, हार्डली 10 to 15 minutes, तो उसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. बाकी आपको किस तरह से पढ़ना है, आपको सिर्फ इनकी इन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करना है. तो बच्चों एक बार के लिए इसको जल्दी से आप कर लीजिएगा रिवाइज. तो ये एक शॉट में आपका 13 ग्रुप बेसिक क्लियर हो गया. अगर 13 ग्रुप आपको समझ में आ जाता है तो 14 ग्रुप भी नियरली सेम है. एक्सेप्शंस, बिहेवियर्स, रीजंस ऑलमोस्ट सेम है. ट्रेंड थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट सारी चीजें सेम है. सो इफ यू गो थ्रू दिस 13 ग्रुप तो आपको टिल 17 तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सेप्शन जो है वो 13 ग्रुप में है. सो आज के लिए बस इतना ही, वाइंड अप करते हैं एंड थैंक यू सो मच. बट प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम ऑफ यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच.